हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि काफी समय से बच्चों के बीच क्वेश्चन का मैटर बना हुआ था कि एसएससी सीपीओ की रिक्रूटमेंट कब आएगी, क्योंकि आना था 15th ऑफ फेब को और किसी रीजन से डिले हो रहा था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो फाइनली वैकेंसी आउट हो चुकी है। बम्पर नंबर की सीट है, 5000 के करीब सीट पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए फॉलो कर लीजिए वहां। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया है कि एसएससी के अंदर सीपीओ के थ्रू एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए नई रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। सीपीओ क्या होता है? ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके थ्रू आपका ये टोटली एसएससी कंडक्ट कराएगा। टोटल पोस्ट की बात करी जाए तो 4187 सीट्स, मतलब 4187 सीट के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है ना, 4 मार्च से लेके 28 मार्च रहेगा, मतलब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट इज 28 मार्च। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 28th ऑफ मार्च, जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते चलूं कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये इशू होता है कि वो पुराने वेबसाइट पे जाके लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है एसएससी के थ्रू, उस पे जाके आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, नई सिरे से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको नया आवेदन अप्लाई करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम की डेट क्या होगी। तो ऑफिशियल डेट बता दिया गया है, 9 से 13 मई आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फी की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 100 रुपीज। एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल्स, यहां पर आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा। देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किस डेट के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेशन किया जाएगा। एज ऑन 1 अगस्त 2024 के अनुसार 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु वाले सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ओबीसी को 3 इयर्स के लिए और एससी एसटी को 5 इयर्स के लिए। आई होप कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। देखिए, सिंपली जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो सब इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। डजंट मैटर कि कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, क्या आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज है। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर नोटिस करिएगा कि जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है उसके लिए ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना एकदम कंपल्सरी है। अदरवाइज जो दूसरे डिपार्टमेंट है, दूसरे फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके अंदर आपको बस ग्रेजुएशन लेवल आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका होगा। पहले स्टेज पर पेपर वन यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा जिसमें पीईटी एंड पीएसटी दोनों हो जाएगा, फिर आपका पेपर टू होगा, देन डीवी प्लस मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए अब ज्वाइनिंग लेटर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, देखते हैं कि पेपर वन का क्या एग्जाम पैटर्न है। पहले बता दिया कि ऑनलाइन पेपर होगा, उसमें आपको 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए, टाइम इज 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका रहेगा पेपर। निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब 0.25 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। सो बी अवेयर, ठीक सोच समझ के लगाइएगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करी जाए, रीजनिंग से हो जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे 50 मार्क्स के लिए। जब आप पेपर वन क्वालिफाई करते हो देन आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। तो आइए उसको समझ लेते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बताऊंगी, तो आइए देख लेते हैं।
हाइट की सबसे पहले आपकी मेजरमेंट होती है, तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एससी का मिनिमम जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है, एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 मतलब 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स में जनरल ओबीसी एससी का 157 सेंटीमीटर, एससी के लिए 154 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट कैलकुलेट किया जाता है, जनरल ओबीसी एससी का 80 to 85 मतलब 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर आपका होगा मतलब 77 से 82 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। उसके बाद आपका रेस होगा 100 मीटर का, 16 सेकेंड में इस रेस को कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को, 18 सेकेंड में फीमेल्स को कंप्लीट करना है। रनिंग होगी फिर आपकी 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में फीमेल्स को कंप्लीट करना है। देन आपका लॉन्ग जंप होगा 3.6 मीटर का, 3 मौका दिया जाता है इसको कंप्लीट करने के लिए, फीमेल्स के लिए 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप होगा, उनको भी 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप 1.2 मीटर का होगा मेल कैंडिडेट के लिए और 3 चांसेस यहां पर भी दिए जाएंगे, फीमेल्स के लिए 0.9 मीटर फॉर 3 चांसेस। उसके बाद शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, 4.5 मीटर फेंकना होता है और 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल हो गया, देन जब इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका पेपर टू होता है, तो आइए पेपर टू की एग्जाम पैटर्न बता दूं, ये भी ऑनलाइन ही होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से ही आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए टाइम मिलेगा 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, तो जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, पेपर टू पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो आप ताकि इंग्लिश आप क्वालिफाई कर पाओ। इसको क्वालिफाई करोगे देन क्या होगा, डीवी प्लस मेडिकल होगा। और सबसे पहली बात ये कि एग्जाम के सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, देखिए आपको पता है कि एसएससी आपको 3 चॉइसेस देती है नियर बाय सेंटर चूज करने का, तो 3 नियर बाय सिटी आप चूज करोगे वहीं पर आपका नियर बाय सिटी में ही एग्जाम सेंटर होगा। सेकेंड थिंग ये कि आपको कहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए, अगर दिल्ली पुलिस एसआई का आप कट ऑफ पार कर लेंगे, आपका चॉइस है कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, तब तो आपको दिल्ली में ही जॉब करना होगा, अदरवाइज अदर जो आपका पारा मिलिट्री फोर्सेस है बता देती हूँ, BSF, CISF, CRPF, ITBP एंड SSB इन सभी आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर अगर आप करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में ड्यूटी रहेगा, जहां पर भी आपको अलोकेट किया जाएगा सर्व करना पड़ेगा। सैलरी की रही बात तो शुरुआती सैलरी क्या होती है 35,400 रुपीज मतलब कि आपका 40,000 के करीब से शुरुआत होती है, बाद में आपका 1,12,400 मतलब कि 1,00,000 से ज्यादा सैलरी आपको मिलती है आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस एंड पर ईयर की इंक्रीमेंट, अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। कंपैरिजन अगर बात करें कि पिछले साल जो सीट आई थी उसके मुकाबले इस साल सीट काफी ज्यादा आई है, 4200 के करीब सीट है, तो अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करिए, तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए और एक सीट आप अपना अचीव कर लीजिए। एंड आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल बताया इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारा कुछ आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा डाउट, कहीं पर भी अब भी आपके कोई क्वेरी छूट गया हो, मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट करिए, मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।